एस्पायरेंट्स वेलकम टू एग्जामपुर हम है कलम से क्रांति मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूं आप लोगों का आप लोगों की अपने बायोलॉजी की क्लास में तो जितने हमारे सभी प्यारे एस्पायरेंट्स हैं एक बार जल्दी से अपनी अपनी हाजिरी लगा देंगे आज है आप लोगों का टेस्ट और इस टेस्ट के अंदर देखते हैं कौन छात्र कितना स्कोर करता है जल्दी से एक बार अपनी अपनी हाजिरी लगाएंगे और साथ साथ इस प्रश्न का उत्तर देंगे क्या यह प्रश्न आपको विजिबल है एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्ता यानी कि रक्तदान की आवश्यकता रक्त पड़ती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है अ पर्सन मेट एन एक्सीडेंट एंड रिक्वायर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन बट देर इज नो टाइम टू चेक द ब्लड ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स ब्लड ग्रुप्स कैन बी ईजीली गिवन बटन नहीं है यहाँ पे ब्लड ग्रुप है कैन बी ईजीली गिवन विदाउट टेस्टिंग बिना टेस्ट किए

और एंटीबॉडीज को चेक किए भी आप ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं किसको नेगेटिव को नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जरा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे शरीर की वो को, वे कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिका में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है उन्हें डैश कहते हैं द सेल्स ऑफ द बॉडी डेथ है एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफ्रेंशियट Into any type of the cells of the body and which are focal point of research on many serious disease are called. Simple सी बात क्या है इसका मतलब ये है कि आपके शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो क्या करती हैं जो ना कोई भी रूप ले लेती हैं ठीक है कोई भी रूप ले, ले लेती हैं मतलब वो क्या है एकदम जादूगर है कैसे जादूगर हैं, मतलब वो क्या है उनके पास ये क्वालिटी है वो किसी भी तरह का, का बन सकती है जैसे एग्जाम्पल दूँ तो आप लोग जब दसवीं तक पढ़ते हैं आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं है ना जब आप दसवीं तक पढ़ते हैं आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं ग्यारहवीं बारहवीं में आप अपने आप को थोड़ा सा डिसाइड करते हो कि हाँ मैं पी सी एम भी लूँगा यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो लूंगा यानी कि शायद इंजीनियरिंग में चला जाऊँ शायद बायोलॉजी में चला जाऊँ यानी कि मेडिकल साइंस में चला जाऊँ ऐसा ही सोचते हैं आपके आर्ट्स का ऑप्शन होता है कॉमर्स का ऑप्शन होता है तो देखो जब तक आप दसवीं में होते हो ना आपके पास सारे ऑप्शन है लेकिन ग्यारहवीं में जब आपको डिसाइड करना पड़ता है या फिर जब आप ग्रेजुएशन में इस चीज़ को डिसाइड करते हैं तो वहाँ क्या होता है आप अपने आप को एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं याद करो जब दसवीं में थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ, क्या बोलते हैं सोशल साइंसेज यानी कि हिस्ट्री पॉलिटी सब चीजें पढ़ते थे जोग्राफी पढ़ते थे ठीक है मैथ्स भी पढ़ते थे लेकिन जब आपने ग्रेजुएशन करी इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स को आपने छोड़ दिया एक तरफ क्यों छोड़ दिया क्योंकि आपने अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया आपने कह दिया कि मैं बस यही करूँगा आगे चल के मुझे यही करना है बस ठीक है ये तो बाद में पता चलता है सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए फिर से दसवीं जैसा हो जाना पड़ता है ठीक है तो वो चलो वो तो मजाक वाली बात है लेकिन सिंपल सी चीज क्या दसवीं तक आपने सब चीजें पढ़ी तो इसका मतलब क्या हुआ आप एक अनडिफ्रेंशिएटेड हैं आप कैसे हैं बिल्कुल सब आपको सब चीजें पढ़नी है सब चीजों का ज्ञान चाहिए लेकिन आप जैसे ही डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को तो वो क्या हो जाता है आप एक पर्टिकुलर रूप धारण करने लगते हैं अब इसमें आंसर क्या करेंगे यहां पे अब आप आंसर क्या करेंगे बड सेल्स रेड ब्लड सेल्स मतलब रेड कोशिकाएं लाल कोशिकाएं मैसेजियल सेल्स या फिर स्टेम सेल्स क्या उत्तर देंगे जल्दी से आंसर दे स्टेम सेल शुभम चौहान आंसर कर रहे हैं ठीक है अनुराग बाबा के क्रेजी वीडियो ये भी आंसर कर रहे हैं डी ठीक है बहुत बढ़िया ओके और कोई तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा गुड इंजरी करने के बाद फिर से पढ़ना पड़ता है बिल्कुल सही है अमरजीत कुमार वही बात कह रही हूँ मैं कि आप फिर से डी डीडिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं ठीक है तो जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं एक होते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड फिर होता है डिफरेंशिएटेड फिर होता है डी डीडिफ्रेंशिएटेड तो उसको मैं जनरली जब हम पढ़ेंगे ना प्लांट्स तब बताऊंगी तो इधर देखिए यहाँ पे क्या है ऐसे सेल्स जो आप दसवीं तक बने रहते हैं वो क्या है स्टेम सेल्स ये किसी का भी रूप ले सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कोलेस्ट्रॉल इज अ कोलेस्ट्रॉल क्या है कोलेस्ट्रॉल इज अ कोलेस्ट्रॉल एक डैश है इंसेक्टिसाइड है विटामिन है स्टेरॉइड है या एंजाइम है क्या उत्तर देंगे आप इसका बीपीएससी का क्लास कहाँ चलता है लक्ष्मी कुमारी बीपीएससी की जो क्लास होती है वो आपकी आईएसपीसीएस पी वाले चैनल पे चलती है आईएस पी सी एस बाई एग्जाम्पल चैनल पर ओके okay. ठीक है ठीक है ठीक सी सी ओके तो जितने छात्र यहां पे आंसर कर रहे हैं स्टेरॉइड उनका आंसर बिल्कुल सही है देखिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना ये एक प्रकार का स्टेरॉइड है यानी कि आपके शरीर के अंदर क्या करता है कुछ स्पेसिफिक कार्य कर देता है यानी कि आपके शरीर को बूस्टिंग अप का कार्य करता है ये कोलेस्ट्रॉल एंड इवन जो आपकी विटामिन डी होती है उसके सिंथेसिस का काम भी इसी कोलेस्ट्रॉल का होता है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कुछ बच्चे यहाँ पर एंजाइम मार्क कर रहे हैं वो एंजाइम आपका उत्तर नहीं है ठीक है तो एंजाइम नहीं होता ये एक प्रकार का स्टेरॉइड है ठीक चलिए नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्थेटोस्कोप तो जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह सिद्धांत है व्यतीकरण यानी कि इंटरफेरेंस अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन फिर है परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन या फिर ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण यानी कि साउंड वेव्स का सुपर इम्पोजिशन तो देखिए जल्दी से बताएंगे ये मैंने आपको पूरा बताया था कि कहां पे आंसर आएगा पी कैसे मिलेगा पीडीएफ के लिए आपको इसका कोर्स परचेज करना पड़ेगा हमारा बिहार एस वाला ओके okay. ए व्यतीकरण इंटरफेरेंस होता है ओहो और कुछ चलो देखो यहाँ पे ये जो ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण है एक्चुअल में इसी तरीके से पेपर में लिखा हुआ मिला था तो सिंपल सी चीज सोचिए यहाँ पे ध्वनि तरंगों का अगर व्यतीकरण होगा इंटरफेरेंस होगा तो कहीं पे ध्वनि कम हो जाएगी कहीं पे ध्वनि ज्यादा हो जाएगी स्टेटोस्कोप एक्चुअल में वर्क कैसे करता है ये स्टेथोस्कोप है ठीक है इस थेटोस्कोप के अंदर क्या होगा इस थेटोस्कोप के अंदर आपने ये जो आपका आला है ये जो आपकी डिब्बी है इसको आपने क्या किया किसी इंसान के हृदय पे लगाया यहाँ पे जब लगाया तो वहाँ पे एक साउंड जनरेट हुई साउंड एक प्रकार की वेव है एक प्रकार की तरंग है ये जो तरंग होगी यह एंटर करेगी यहाँ और इसका मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं यहाँ पे क्या होंगे इसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है ठीक है और वो भी कैसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ठीक है तो यहाँ पे मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ये वायु वो ये ध्वनि यहां से टकराएगी इधर टकराएगी टकराते टकराते इस प्रकार इसका लगातार अध्यारोपण होता है और ये डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाती है ठीक है तो यहां पे क्या आएगा कि यहां ध्वनि का अध्यारोपण होता है ठीक है पेपर में अध्यारोपण शब्द लिखा था इसीलिए यहाँ पे इस वर्ड को लिखा गया है वहां पे आपको पूरे की पूरी पीडीएफ मिलती हैं और टेस्ट सीरीज मिलती है ठीक है तो यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर आंसर होगा तो वो यहां देखिए कहां मैच हो सकता है अध्यारोपण कोई आ, से परावर्तन अगर यहाँ लिखा होता ध्वनि का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो कार्य कर जाता तो यहाँ पे क्या होगा कि इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को जो आपके आ, क्या बोलते हैं एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसी थी उसने इस क्वेश्चन का आंसर अध्यारोपण माना है यानी कि सुपर इम्पोजिशन माना है कि यहाँ जो ध्वनि हो रही है ना वो लगातार क्या हो रही है सुपर इम्पोज हो रही है एक दूसरे के ऊपर इस वजह से क्या होता है बार बार लगातार वो साउंड जाती है इस वजह से डॉक्टर्स के कानों तक ये पहुँच पाता है तो देखो दो तरह के ऑप्शन यहाँ पे मिल सकते थे अगर यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलता तो आप उसको आंसर करते अभी भी कुछ बच्चे परावर्तन आंसर कर रहे हैं लेकिन बच्चे इस चीज को समझिए कि अगर आपने परावर्तन यहाँ आंसर कर दिया ना तो परावर्तन का मतलब है ये यह ध्वनि यहाँ से एंटर करी और वापस यहीं पर टकरा के अंदर ही आ गई ठीक है लेकिन क्या वो आपकी मल्टीपल है क्या वो आपका मल्टीपल परावर्तन है नहीं तो इस वजह से यहाँ पे आंसर आएगा आपका डी हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ठीक है तो यहां आंसर क्या आएगा आपका इसमें अगर यहां पे देखो मैं इसको ऑप्शन को ही चेंज कर देती हूं यहां पे क्या आएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ठीक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पे आंसर आ जाता है ठीक तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जी बिल्कुल जितेंद्र जी, जी अदर एग्जाम्स के लिए भी ये यूजफुल है क्योंकि साइंस आपकी जिस जिस एग्जाम में आती है वहां वहां इसका आंसर सही आएगा मतलब वहां वहां आपको ये हेल्प करेगी चलिए नेक्स्ट है डायलिसिस का संबंध निम्नलिखित में से किस अंग के रोग से है डायलिसिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हार्ट है किडनी है लिवर है या लंग्स है Exactly तभी रोहित सिंह मैंने यहाँ पे ऑप्शन को चेंज करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्ड लिखा है नहीं तो आप यहाँ पे उत्तर क्या देते ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण आंसर करते ठीक है कोई बात नहीं श्वेना चलिए किडनी किडनी तो ठीक है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका वृक आंसर हो जाता है ठीक है तो आपका जो डायलिसिस होता है जब किडनी फेलियर की प्रॉब्लम होती है तो आपकी किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं वो सफाई नहीं कर पाते यानी कि प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते इसीलिए क्या होगा डायलिसिस को कराया जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन क्या है वह रेडियो संस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है आंसर करना है आपका द रेडियो द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज टू तो डिटेक्ट द ब्लड क्लॉटिंग इन द ब्लड इज आर्सेनिक 74 फोर कोपाल्टी सोडियम 24 या फिर आयोड, आयोडीन वन थर्टी ओके, okay. ठीक है तो यहां आंसर करेंगे किडनी किडनी वाला आंसर आप सभी का सही है जल्दी से इस क्वेश्चन का यहां पे आंसर करेंगे इसका आंसर क्या आएगा ठीक है तो चलिए इसका आंसर क्या आएगा जल्दी देंगे कोबाल्ट सिक्सटी कोबाल्ट सिक्सटी में भी ए कुमारी कह रही है एन एंड ग्रुप एंड बिहार एन ग्रुप एंड बिहार ऐसा ही साइंस सिलेबस में क्या डिफरेंस है लास्ट में बता देना ठीक है लास्ट में इसको डिस्कस करते हैं अभी यहाँ पे किसी बच्चे का आंसर अच्छा देखो यहाँ ना ऑप्शंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो यहाँ पे इसको सोडियम को सी मान लेना और आयोडीन को डी मान लेना आप यहाँ पे ऐसे आंसर लिख के देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे सोडियम आंसर आ जाता है देखो बहुत ध्यान से देखिए कि अगर आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अगर कहीं पे भी ब्लड क्लॉटिंग होती है उस क्लॉटिंग को डिटेक्ट कौन करता है सोडियम 24 यानी कि सोडियम का जो आइसोटोप है नॉर्मल आपका सोडियम कौन सा होता है एन 23 होता है लेकिन इसका एक आइसोटोप है इसका एक समस्थानिक है इलेवन ट्वेंटी फोर ये क्या करता है आपके ब्लड क्लॉटिंग को रक्त के थक्कों को देखने में मदद करता है पहचानने में मदद करता है कि आपका परिसंचरण तंत्र में कहां पे रक्त के थक्के जमे हुए हैं ठीक है अच्छा बाकी सब चीजों के भी यूजेस बताइए आर्सेनिक एक सेवेंटी फोर कहाँ इस्तेमाल होगा चलो इसको ना आप होमवर्क में लेना हाँ ठीक है जितेंद्र चौधरी चलो देखो यहाँ पे 60 सिक्सटी 74 और इस्तेमाल होता है इसको आप लोग होमवर्क में नीचे कमेंट सेक्शन में चलिए फॉलोइंग इज अ फिश फ्लाइंग फिश कटल फिश या फिर सिल्वर फिश इनमें से कौन सी एक मछली है सारे ऑप्शन उल्टे क्यों है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी कीजिए आंसर कर दिया भैया ऑप्शन ठीक कर दिया वैसे आप आंसर पे भी लिख के बता सकते हैं ठीक है और इसको समझिए वन टू थ्री फोर डी ऐसे ही लिखे हुए ना सारे ऑप्शन तो इसका मतलब ये ऐसे ही ऑप्शन है एबीसीडी फॉर्मेट में है ठीक है चलिए अब अगली चीज पर चलते हैं बताएंगे जरा इसका आंसर कटल फिश ओके okay. ठीक है फ्लाइंग फिश वेरी गुड गौरव चलिए ठीक है तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ अच्छा नहीं गौरव के अलावा नहीं, नहीं। तो यहां देखिए फ्लाइंग फिश जो बच्चा आंसर कर रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है देखिए बाकी ये जो है ना क्रे फिश हुआ कैटल फिश हुआ या फिर आपका ये आ, सिल्वर फिश हुए ये तीनों क्या हैं ये तीनों आपके इक्कीनो डरमेटा फैमिली से आ जाते हैं इनकी स्किन के ऊपर स्पाइक्स पाए जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका फाइंग फ्ल, फ्लाइंग फिश एक प्रकार की मछली होती है बाकी मछली नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं शहद एक कहा शहद का एक प्रमुख घटक है द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ हनी इज ग्लूकोज सुज माल्टोज या फिर फ्रक्टोज क्या आंसर आ जाएगा ग्लूकोज सुक्रोज माल्टोज या फिर फ्रक्टोज क्या आंसर होगा फ्रक्टोज़, सुक्रोज सुक्रोज ठीक है ओके तो इनमें से जो बच्चे आंसर कर रहे हैं फ्रक्टोज उल्फी खान अजीत कुमार प्रजापति अमरेश कुमार वर्षा सिंह गौरव कांबले, शिल्पी पवन इन लोगों के आंसर सही है निशांत का आंसर भी सही है तो यहाँ पे देखिए ये जो शहद होता है ना शहद किस चीज से बना है फूलों के रस से बना है और फूलों के अंदर फूलों से ही आगे आपके फल डेवलप होते हैं ठीक है ठीके? तो इसके अंदर क्या होगा आपको फ्रूट शुगर देखने को मिलती है फल शर्करा देखने को मिलती है ठीक है तो यहाँ पे प्रमुख घटक क्या पाया जाएगा आपको फल शर्करा यानी कि फ्रक्टोज मिलती है ठीक है चलिए जी नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा बारू बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए उपयोगी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव टनल्स मधुमक्खी यानी कि हनी भी बर्रे यानी कि वैस्प जिसको हम ततैया भी कहते हैं नेक्स्ट है तितली यानी कि बटरफ्लाई चौथा है पतंगा आंसर कीजिए इसका अच्छा आपका भी सही था संगीता ओके okay, उषा का भी आंसर सही था पूजा टेम्प क्र्यू इनके भी आंसर सही आ रहे हैं अनुराग ओके ठीक है अब देंगे ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर और जितने छात्र यहाँ पर हैं एक बार क्लास को लाइक like कर देंगे अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और लग रहा है कि इस बार क्वेश्चंस कुछ हटके हैं या फिर हमारे दिभेजे में कुछ चीज़ जा रही है तो तो देखिए यहाँ पे क्या होता है जो मधुमक्खी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्लोजिव टनल्स यानी कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए ठीक है ऐसा क्यों होता है क्यों हनी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो हनी भी होती है ना इनकी सूंघने की और सुनने की दोनों क्षमताएं तेज होती हैं यानी कि कुत्ते से भी ज्यादा अच्छा सूंघ सकती है मधुमक्खी इसीलिए बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया जाता है आंसर हो जाएगा आपका हनी भी यानी कि मधुमक्खी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा अल्पता से संबंधित है अल्पता मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डेफिशियंसी गुर्दा क्षति या पेशिया लकवा यानी कि अगर किसी का लिवर डैमेज हो जाता है या फिर उसका मस्क्युलर पैरालिसिस हो जाता है दूसरा है निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर हो अगर उसके अंदर तीसरा है रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया चौथा है जोड़ों का दर्द या फिर धूमिल दृष्टि जॉइंट पेन हो या फिर ब्लड विजन हो इनमें से कौन सी चीज़ है जो क, कमी से होती है किसी चीज़ की कमी से होती है आंसर करेंगे इसका हनी भी हनी भी ठीक था वेरी गुड ओके okay, टेंथ का आप आंसर कर रहे हैं रक्ताल्पता ओके okay. जरा सोचिए रक्ताल्पता किस वजह से होती है और जो आपका ब्लड प्रेशर है वो किस वजह से कम होता है ठीक है तो यहां पे ज्यादातर बच्चे आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं यहां पे आंसर क्या हो जाएगा रक्त यानी कि एनीमिया जो होता है जो एनीमिया है वो आपका आयरन डेफिशिएंसी से होता है ठीक है तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है रक्त तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा अल्पता से संबंधित है एनीमिया ठीक है इन केस अगर आपका यहां पे एनीमिया ना दे रखा होता और फिर आपको यहाँ पे कोई और ऑप्शन दे रखा होता जैसे हार्ट फेलियर दे रखा होता तो अभी आप इसमें से लो ब्लड प्रेशर मार्क करते हैं अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों क्योंकि लो ब्लड प्रेशर कब होता है जब आपके शरीर के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाती है ठीक है तो सेकेंड नंबर पे अगर ये वाला ऑप्शन ना होता तो आप सेकेंड नंबर पे किस ऑप्शन को मार्क करते लो ब्लड प्रेशर को कुछ चीजें हैं जो आपको वहां पे ध्यान रखनी पड़ती है कई बार पेपर में ऐसे ही नहीं आता जैसे हम सोच के आ जाते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है वॉट इज ऑर्थोप्लास्टी सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी होती है गुर्दा प्रत्यारोपण होता है यानी कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ हिप बोन होती है या फिर रुधिर आदान होता है यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है हम्म, ठीक है गौरव माथुर बिल्कुल सही कि अगर आपका वहां पे लो ब्लड मतलब ये नहीं आता रक्ताल्पता नहीं लिखा आता तो आप फिर वहां पे लो ब्लड प्रेशर लिखते हैं बेटे आयोडीन की कमी नहीं आयोडीन की कमी नहीं वो आपके पोटेशियम की कमी होती है ठीक है ओके okay, इलेवेंथ का सी ठीक है बिल्कुल सही तो जब कूल्हे के जोड़ का ट्रांसप्लांटेशन होता है यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ हिप बोन होता है, तो हम उसको चलिए बने होते हैं है? जो कैप्सूल्स होते हैं ना खाते हैं ना गोलियां खाते हैं उसमें कैप्सूल्स बनी होती है वो कैप्सूल के अंदर पाउडर भरा होता है मेडिसिन भरी होती है लेकिन वो जो कैप्सूल है वो किस चीज का बना होता है वाइट का मांडी का ठीक है रेजन का यानी कि जो पेड़ की गोंद होती है उसका या फिर जिलेटिन का श्लेष का किस चीज का बना होता है ठीक है इलेवंथ का आंसर सभी ने सही दिया था अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्या कर देना है क्लास को लाइक कर देना है मांडी ओके वेरी गुड संगीता ठीक है पूजा चलिए तो यहां पे ट्वेल्थ का आंसर अभी तक किसी स्टूडेंट ने सही नहीं दिया राहुल गुंजन इनके आंसर सही आ रहे हैं आंसर आ जाएगा बच्चे आप लोगों का स्लेश यानी कि जिलेटिन का बना होता है जो आपकी कैप्सूल होती है ठीक है वो कैप्सूल का जो खाली खोखला जो उसका पदार्थ होता है बाहरी लेयर जो होती है वो जिलेटिन की बनी होती है ठीक है चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कौन सा हारमोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है विच हॉर्मोन इज नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन इंसुलिन एड्रिनालिन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन ट्वेल्थ का डी ठीक है कुछ बच्चों ने आंसर गलत किया ए ए आप लोग आंसर कर रहे थे वो आंसर गलत है ओके okay, जुल्फिकार वेरी गुड अजीत निशांत ठीक है अंजू ऊषा ठीक है अनुराग ओके okay. चलिए तो यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर कौन सही कर रहा है जिलेटिन अरे जिलेटिन अरे से आगे आ जाओ अब चलो ठीक है यहां पे पंकज नेगी पवन ठीक है ऑलमोस्ट सभी बच्चे यहां पे आंसर सही कर रहे हैं आपकी जो किडनी होती है किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसको हम अधिव्रक ग्रंथि कहते हैं और इस अधिव्रक ग्रंथि से इस अधिव्रत ग्रंथी यानी कि ये कौन सी है आपकी एड्रेनल ग्लैंड है इस एड्रिनल ग्लैंड को के द्वारा जो आपका हार्मोन निकलता है जिसको हम एड्रिनलिन कहते हैं उसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं ठीक है जो आपका जब भी आप टेंशन में होते हो स्ट्रेस में होते हो तो ये आपको स्ट्रेस या टेंशन से बाहर निकालता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच विटामिन अच्छा uh, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है द विटामिन विटामिन बी वन विटामिन बी टू विटामिन बी सिक्स या फिर विटामिन बी ट्वेल्व साथ साथ आप लोग इन विटामिन का आंसर भी करेंगे इनके नामों को क्या कहा जाता है कोई भी मेडिसिन नॉन वेज की बनी होती है तो एग होना चाहिए हैं अरे नहीं भैया वो जो जिलेटिन होता है दैट टू इज अ नॉन वेज कवरिंग ठीक है वो जो जिलेटिन होता है दैट इज ऑल्सो वेज कवरिंग एस एम कुंबवार नहीं कुंबर ठीक है फोर्टींथ का आंसर आप लोग दे रहे हैं डी बी बारह ओके ठीक है चलिए तो यहां पे आंसर क्या आ जाता है बी बारह आ जाता है इसको हम सियानो को कहते हैं ठीक है विटामिन बी सिक्स को हम क्या कहते हैं जल्दी से बताएंगे और मैंने आप लोगों को एक ट्रिक वीडियो भी बोली थी कि आपको उस ट्रिक वीडियो को देखना है कहाँ पे थी वो ट्रिक वीडियो आ, एग्जाम्पल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट ठीक है उस चैनल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे विटामिन की ट्रिक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको सारे बी फैमिली की ट्रिक्स को याद करने का तरीका बताया है ठीक है तो विटामिन बी वन को कहते हैं थैमिन बी टू को कहते हैं राइबोफ्लेविन इसको बोलते हैं हम पेरिडॉक्सिन ठीक है तो ये इन विटामिन के नाम है ओके वेरी गुड रजनीश बिल्कुल सही विटामिन नहीं करवाया ओके ठीक है उसको एक क्लास में छोटा सा क्लास होगा उसमें करा दूंगी वैसे एक बार आप चाहो तो ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर पे जाके आप देख लो चैनल पे जाके देख लेंगे दस मिनट में रिवाइज हो जाएगा आपका स्टिल मैं इसको करा दूंगी किसी भी दिन एक दिन टाइम लेके अभी कल से क्या स्टार्ट करना है इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना क्योंकि कल के जो कमेंट्स थे उसमें बच्चों ने लिखा है कि हमें फिजिक्स स्टार्ट करनी है ठीक है तो अगर आप लोगों ने कुछ और स्टार्ट कराना है केमिस्ट्री स्टार्ट करानी है तो मुझे बता देना नहीं तो फिर मैं कल से फिजिक्स स्टार्ट करने वाली हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम इंसेक्ट्स निम्नलिखित में से कौन कीटो से प्राप्त नहीं होता है सिल्क लाख शहद या पल ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज पूछी है सिल्क है यानी कि रेशम है लाख है फिर नेक्स्ट है हनी यानी कि शहद और चौथा है पर्ल यानी कि मोती तो इनमें से कौन सा आपका इंसेक्ट्स से, से नहीं मिलता कीटों से प्राप्त नहीं होता आपको ये बताना है वेरी गुड उषा ठीक है फिजिक्स ही ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया बॉटनी बॉटनी मैं थोड़ा ले रही सोच रही हूँ बाद में करा दूँ क्योंकि अभी जो है आप बायो पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हो और आपने लगातार जो है मेरे को बोल रहे हो कि मैम क्या है यहाँ पे मतलब हमें जो है ना बायो से अभी थोड़ी देर के लिए मुक्ति चाहिए तो हम अभी कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पे जुल्फिकार ने बिल्कुल एकदम बीरबल वाला काम किया है लिखा है पर्ल क्यों पर्ल क्योंकि पर्ल जो है ना वो आपको एक मुलस्क़ा से मिलता है ठीक है एक मोलस्का फाइलम यानी कि मोलस्का संघ के एक जंतु से मिलता है एक कैसे जंतु से मिलता है संघ के जंतु से तो वो क्या होता है कौन सा जंतु है वो पर्ल ठीक है ठीके? तो यहां पे क्या आ जाएगा पर्ल इसका आंसर नहीं है बाकी सब चीजें आप किससे ले रहे हो किसी ना किसी एक कीट से लेते हो किसी ना किसी एक आर्थ्रोपोड से लेते हो ठीक है इंसेक्ट से लेते हो नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ओके तो इन इवेंट्स को ना आपको खुद नंबरिंग से लगाना है ठीक है कि इनमें से कौन सी चीज कैसे कैसे आई थी निम्नलिखित घटनाओं गट, पर विचार कीजिए ओके okay. तो यहां देखिए घटना क्या है आपकी कि अरेंज द अब इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ऑरिजिन ऑन द अर्थ एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो नहीं मिल रहा लेकिन अर्थ पे इनका ओरिजिन कैसे कैसे हुआ आपको वो बताना है वन है आपका फर्स्ट सबसे पहले रेपिटाइल्स आए फिर उसके बाद पहला कीट आता है फिर आपके कवच वाले जीव आते हैं और फिर आपका फर्स्ट मैमल आता है तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज कैसे आएगी फिजिक्स ठीक है ओके ठीक है अच्छा उषा आप तो नहीं होते बाकी बच्चे तो हो जाते हैं बोर जल्दी से आंसर करेंगे इसको ओके ठीक है थ्री टू वन फोर जुल्फिकार कह रहे हैं वेरी गुड अजीत उषा कह रही हैं थ्री टू वन फोर ठीक है उनका भी सही है सीबीएडी टू थ्री वन फोर टेम्प क्रू का आंसर गलत है पल्लवी कह रही है केमिस्ट्री ओके ठीक तो ज्यादातर छात्रों ने उत्तर बिल्कुल सही दिया है यहां पे क्या आ जाएगा आपका सबसे पहले आपके कवच वाले जीव आय ठीक है कवच वाले जीव आए जिसको जैसे, जैसे मैं अभी बता रही थी ना पर्ल ऑइस्टर तो पर्ल ऑइस्टर में क्या होता है वो जो ऑइस्टर होता है ना उसके आसपास कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच बना होता है ठीक है तो कवच वाले जीव आए फिर उसके बाद आपके इंसेक्ट आते हैं ठीक है फिर उसके बाद आपके सरी सृप आते हैं और फिर बाद में कौन आए मैमल्स आए ठीक है तो यहां पे क्या होगा थ्री सबसे पहले कवच वाले जीव फिर उसके बाद इंसेक्ट्स फिर उसके बाद आपके रेपिटाइल्स और फिर क्या आते हैं आपके मैमल्स आते हैं तो थ्री टू वन फोर यहां पे सही कोडिंग हो जाती है वेरी गुड नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय होम डीएनए की द्वि कुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी जैको जैकब एंड मोनाड के द्वारा वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा एच जी खुराना के द्वारा या नन ऑफ दी अबव अरे देखो यहाँ पे जो है ना अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख पाऊंगी मैं सिंपल सी चीज़ कह रही हूँ आप ना इस सेक्शन के नीचे मतलब जो आपका वीडियो ऑफ हो जाएगा उसके नीचे बता देना फिजिक्स केमिस्ट्री जिसके जो वो ज़्यादा होंगे वोट ज़्यादा होंगे मैं उसको स्टार्ट करा दूँगी तीन वोट अभी पिछली वीडियो के पड़े हैं सेवनटीन का बी, -बी ओके वॉट एंड क्रिक ठीक है ठीक है तो यहां पे देखेंगे यहां पे आंसर क्या हो जाएगा वॉटसन एंड क्रिक आंसर हो जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब डीएनए की जो द्विकुंडलीय संरचना थी द्विकुंडलित संरचना थी जिसके अंदर बताया गया ये जो दीवार बनी है ये शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है इसके बीच में आपके नाइट्रोजनस बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं वो सब कौन बता रहे हैं वॉटसन एंड क्रिक बताते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन च ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर फिर से वही सवाल आ गया जो मैं फर्स्ट सवाल था उसी के जैसा है मानव रक्त आधान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्व आ, एक सेकेंड यूनिवर्सल डोनर होता है ठीक है ब्लड ग्रुप बी फिर आपका ओ ग्रुप ए बी ग्रुप या फिर ए पॉजिटिव ग्रुप कौन सा आंसर आ जाएगा यहाँ पे इजी क्वेश्चन है ये सीढ़ी नुमा होता है ओके okay जी चलिए ओके एटीन का बी बी ओके ठीक है तो जितने छात्र यहाँ पे ओ आंसर कर रहे हैं ओ ब्लड ग्रुप उनका आंसर बिल्कुल सही है देखिए सिंपल सी चीज है वैसे भी मैंने आपको बताया था ओ ए बी और ए बी इनमें से ओ सबको रक्त डोनेट कर सकता है और ए बी सबसे रक्त ले सकता है ठीक है चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं क्या अ नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग ऐसा इंसान है खाता ही जा रहा है खाता ही जा रहा है, उसे पता ही नहीं उसको कब खाना खाना रोकना है उसको ये समझ ही नहीं पाता उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए वह किस बीमारी से पीड़ित है बुलमिया डायबिटीज एनोरेक्सिया नर्वसा या फिर हाइपर एसिडिटी किससे पीड़ित है वो ठीक है ओके सही है उषा क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना है और साथ साथ नए छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ओ नेगेटिव बिल्कुल सही अगर नेगेटिव होता वहां पे तो हम नेगेटिव आंसर कर देते ठीक अगर यहां पे नेगेटिव वगैरह नहीं लिखा हो तो ओ ही आंसर आएगा ठीक चलिए एक मैन जिसको ये नहीं पता उसे खाना खाना कब रोकना है वो बुलिमिया नामक बीमारी से पीड़ित होता है ठीक है कौन सी बीमारी से आपका जो वो अपने ब्रेन को सिग्नल नहीं भेज पाता कि हाँ वो उसका जो ब्रेन है वो उस सिग्नल को प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाता पेट तक कि हाँ भैया आप खाना रोक दे बहुत हो गया ये चीज जो है उसके बीच का कोर्डिनेशन टूट जाता है इसीलिए उस बीमारी को क्या कहते हैं बुलिमिया कहते हैं ठीक है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बुलिमिया जो बच्चे अति अम्लता कह रहे हैं तो वो खाना तो खा रहा है अति अम्लता में क्या होता है उस इंसान ने खाना खाना शुरू किया लेकिन उसमें जो उसने खाना खाया उससे एसिडिटी बढ़ गई वो होता है अति अम्लता यहाँ पे अति अम्लता का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज़ का है बुलिमिया का डायबिटीज़ कब होगा जब उसके खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने से शक्कर ज़्यादा बनेगी यानी कि ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा तब उसको क्या हो जाता है तब उसको मधुमेह की बीमारी हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देर इज एम नॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लुकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है किस चीज की बोन सेल्स की यानी कि अस्थि कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होती है प्लेटलेट्स की रेड ब्लड सेल्स की यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं की या फिर वाइट ब्लड सेल्स की कल ही कराया है मैं चाहूंगी कि आप लोग आंसर सही देंगे ओके okay. अच्छा तुक्का लगाया था ओके ठीक है ओहो यू आर सफरिंग सफरिंग फ्रॉम बुलिमिया इंडिया में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो बुलिमिया से सफरिंग होती है क्यों क्योंकि कुछ भी बाहर की चीज़ आती है ना वो फील ही नहीं कर पाते हाँ बस अब रोक देना चाहिए बस जी भरना चाहिए और जी कभी भरता नहीं है डब्ल्यू बी सी ठीक है तो यहाँ पे जो बच्चे आंसर कर रहे हैं डब्ल्यू बी सी उनका आंसर बिल्कुल सही है कल ही तो मैंने स्क्रीन शॉट दिया था ल्यूकेमिया नाम की बीमारी का जिसके अंदर डब्ल्यू बी सी इतनी अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं कि वो इंसान के शरीर को नुकसान पहुँचाने लगते हैं जो बच्चे यहाँ पे सी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है ठीक है यहाँ पे सी आंसर नहीं आएगा डी आंसर आएगा डब्ल्यू बी सी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द ब्रेन इज रिस्पांसिबल फॉर मस्तिष्क इनमें से किस चीज के लिए जिम्मेदार है थिंकिंग यानी कि सोचने के लिए रेगुलेटिंग द हार्ट बीट हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए बैलेंसिंग द बॉडी हृदय के सॉरी uh, शरीर के संतुलन के बनाने के लिए या फिर ऑल ऑफ दी अबव उपरोक्त सभी तो क्या आंसर आ जाएगा यहां पे ओके okay, गलत हो गया कोई बात नहीं हाँ जी ये बिहार दरोगा की ही क्लास है बिहार दरोगा की ही क्लास है ठीक है नहीं हाँ अच्छा आप कह रही है बीपी ट्रिपल एस क्यों नहीं बोल रहे आई डोंट आई थिंक सो दोनों का मतलब एक ही है है ना चलिए बोथ 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 नहीं यहाँ पे बोथ का तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे आंसर क्या आएगा यहाँ पे आएगा भाई देखो सोचने के लिए सरीब्रम होता है मेन थिंकिंग पार्ट ठीक है जिसको हम प्र मस्तिष्क कहते हैं दूसरा क्या आ जाता है हृदय की गति के नियंत्रण के लिए मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा यही तो काम करता है ठीक है फिर तीसरा क्या आ जाता है बैलेंसिंग द बॉडी शरीर का बैलेंस बनाने के लिए कौन होता है सैरी बैलम होता है और ये सब भाग किसके हैं ये सब आपके मस्तिष्क के भाग हैं तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा ऑल ऑफ दी अब आंसर आ जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप इज मानव जैसा सबसे छोटा कपी कौन सा है गिबन है गोरिल्ला है चिपैंसी है या और है जल्दी से आंसर करेंगे डी 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 अरे नीट की नहीं है भैया क्लास ये नीट की क्लास नहीं है ओके okay, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया उल्टा है क्या उल्टा है कलर चेंज कर दो पेन का ओके ठीक है येलो ले लिया है चलिए तो जो सबसे छोटा मैन लाइक एप होता है उसको हम गिबन कहते हैं बाकी ये जो सारे होते हैं ना ये बड़े बड़े टाइप के यानी कि बड़े बड़े आ, साइज के गुर होते हैं ये ठीक है वो बड़े बड़े साइज के बंदर होते हैं ठीक है तो यहाँ क्या होगा गिबन यहाँ पे आंसर आ जाएगा छोटा सा होता है ये बिल्कुल ठीक चलिए नेक्स्ट चलते हैं लंगूर जैसा दिखाई देता है ये नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई ये आपने ना बहुत सारे टीवी के एड आते हैं ना जिसमें कहते हैं एक वो बादाम वाला तेल आता है ठीक है उसके अंदर बड़ा इसका एड दिखाते हैं विटामिन ई e उसके अंदर बहुत ज्यादा है लेकिन यहां तो बादाम ऑप्शन में ही नहीं है तो हम क्या डालेंगे तो आपने बहुत सारे टीवी के एड देखे होंगे जहां पे इस प्रोडक्ट को बोला जाता है कि इससे हमने विटामिन ई e निकाला एबीसीडी अच्छा ये उल्टा है ओके ओके ठीक है समझ गई चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई तो यहाँ पे देखिए ताड़ का तेल यानी कि पाम ऑयल नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल वीट जर्म ऑयल यानी कि गेहूं के अंकुर का तेल और नेक्स्ट आ जाता है मस्टर्ड ऑयल यानी कि राई या सरसों का तेल तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है जो वीट जर्म ऑयल होता है ना जो गेहूं होता है उसको जब आप अंकुरित कर देते हैं और उसमें से जो तेल निकलता है वो विटामिन ई e का बहुत बड़ा बहुत ही अच्छा स्रोत होता है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वीट जर्म ऑयल मोहम्मद रहमान जहाँ तक हम लोगों ने आ, मेरे को जहाँ तक पता है आपके इस एग्ज़ाम का एक बार आपका बिहार दरोगा का जो आपका पिछले बार वाला मेंस हो जाएगा ना उसके कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा आपका इसका प्री हो जाएगा ठीक है तो जल्दी से जल्दी देखो नवंबर में उसका मेंस होने वाला है संभावना है कि पिछले बार वाला मेंस हो जाएगा तो उसके दस दिन के बाद ही आपका शायद इसका प्री हो जाएगा तो तैयार रहिए कि ऑलमोस्ट दिसंबर में आपका पेपर हो सकता है ठीक है तो यहां आंसर आ जाता है वीट जर्म ऑयल अगला क्वेश्चन देखते हैं चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद द जीन विद इन द जीन इज कॉल्ड जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं ब्रीडिंग कहते हैं यानी कि प्रजनन कहते हैं क्लोनिंग कहते हैं यानी कि प्रतिरूपण कहते हैं म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन कहते हैं या फिर फ्यूजन कहते हैं संयोजन कहते हैं अब ध्यान करना कल मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था जब मैं कैंसर पढ़ा रही थी आंसर करेंगे जल्दी से इसका जल्दी बताएं हां जी तो यहाँ पे आंसर वेरी गुड जितने बच्चे यहां हैं म्यूटेशन कल मैंने इस वर्ड को बताया भी था कि जिनको कैंसर होता है वो किस वजह से होता है क्योंकि उनके जो जीन्स होते हैं ना उनमें परिवर्तन आ गया होता है उनके जीन जीन में उनका जो पूरी है वो खराब हो गई होती है इस वजह से म्यूटेशन होता है उत्परिवर्तन होता है और कैंसर की बीमारी हो जाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का कुनेन इफेक्टिव मेडिसिन इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेपर में कई बार पूछा गया है ये और आगे भी बार बार पूछे जाने की संभावना है क्योंकि मलेरिया जो है एक ऐसी बीमारी है जो इंडिया के अंदर हमें अक्सर देखने को मिलती है ठीक है तो जल्दी से आंसर करेंगे मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण डैश से किया जाता है बाक ऑफ सिनामेन सिनामेन की छाल से बाक ऑफ सिंकोना सिंकोना की छाल से आ, अच्छा सिनामन होता है दालचीनी ठीक है लीव्स ऑफ ओसियम तुलसी के पत्ते से और बाक ऑफ एसी का कैचू कत्था वृक्ष जो होता है उसकी छाल से ऑफ सिंकोना ठीक है तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं बी उनका आंसर बिल्कुल सही है सिंकोना की छाल से कुनैन नामक वो आपकी औषधि बनाई जाती है अभी सभी छात्र क्या करेंगे सभी छात्र एक एक बार थम्सअप दे, दे देंगे अगर क्लास अच्छी लगी हो और दूसरी चीज़ क्या कि अभी मुझे बताएंगे किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट था कि नहीं था जल्दी से बताएं फिर अपनी क्लास को हम लोग यही विराम देंगे दिस इज पूर्णिमा ऑफ़ और, और हां बता देना कि जो है आप लोगों का कौन सा क्या चीज पढ़नी है फिजिक्स या केमिस्ट्री, ठीक है टेक केयर जय हिंद जय भारत